1 अप्रैल 2024 को सीरिया की राजधानी दश्मिक में ईरान के दूतावास पर एक बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक हुआ था। इस हमले में ईरानी सेना के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जाहेदी समेत ईरान के 7 बड़े अधिकारियों की मौत हो गई थी और ईरान ने इस हमले के पीछे अमेरिका और इसराइल का हाथ होने का आरोप लगाया था। हालांकि इसराइल ने इस हमले को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया था, लेकिन अमेरिका ने ये जरूर कहा था कि उन्हें इस हमले के बारे में पहले से पता नहीं था। लेकिन इस हमले के बाद ईरान ने इसराइल और अमेरिका से बदला लेने की कसम जरूर खाई थी। हालांकि ईरानी दूतावास इस हमले में पूरी तरह से जमींदोज हो गया था, लेकिन अब ईरान ने सीरिया में अपना एक नया दूतावास खोला है, जिसका उद्घाटन ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहेन ने दश्मिक में किया है। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक ईरान का नया दूतावास पुराने दूतावास से ज्यादा दूर नहीं है। ये दूतावास माजेह इलाके में ही है। ईरानी विदेश मंत्री ने दूतावास का उद्घाटन करने के बाद एक बार फिर से अमेरिका पर इस हमले में शामिल होने का आरोप लगाया है। میخواهم از دمشق با صدای بلند اعلام بکنم آمریکا در این حادثه مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد. عدم موافقت آمریکا و دو کشور اروپایی برای صدور بیانیه‌ای در محکومیت نقض کنوانسیون‌های وین و حمله به سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق نشانه ای از چراغ سبز آمریکا به اسرائیل برای مرتکب شدن این جرم هست و بار دیگر تاکید میکنم آمریکا به خاطر این رفتارش و حمایت از اقدام تروریستی رژیم اسرائیل باید پاسخگو باشد. وہیں اسی دوران سیریا کے ودیش منتری نے اس حملے کو لے کر ایران کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہنے کی پرتیبدھتا ظاہر کی ہے۔ هذا يعني ان هذه القضايا لا يمكن ان تعالج اعلاميا الا في الوقت المناسب، لذلك اعيد التاكيد على ان سوريا تقف بشكل حازم مع المقاومه وتدعم كل قوى المقاومه عربيا وفلسطينيا۔ आपको बता दें कि इस हमले को लेकर ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने ईरानी दूतावास पर हमले के लिए इसराइल को हरी झंडी दी थी। हालांकि ईरान के इन आरोपों को अमेरिकी राष्ट्रपति भवन ने सिरे से खारिज कर दिया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि उसे इस हमले की जानकारी इसराइल ने उस वक्त दी थी जब इसराइल के लड़ाकू जेट्स हमले के लिए पहले ही आसमान में उड़ान भर चुके थे। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है। We're still considering this an active threat. I don't have anything more to say about the strike in Damascus except that we weren't involved in any way whatsoever. And I need to just leave it at that. लेकिन इन आरोप और प्रत्यारोप के बीच बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या ईरान इसराइल पर जवाबी हमला करेगा, और अगर करेगा तो वो हमला किस लेवल का होगा और वो कब होगा।